हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर SI12 वीडियो। आज का चैलेंज का नाम है इमोजी वर्ड चैलेंज, जिसमें हम कुछ इमोजी देंगे और उनको गेस करना है। और हमारे साथ जुड़े हैं 5 महारथी यूट्यूबर्स और एक प्रोफेशनल, मतलब सेमी प्रोफेशनल वेलो प्लेयर। आइए मिलाते हैं सबसे। सो गाइस, हमारा पहला पार्टिसिपेंट है सोल मॉर्टल। हाय, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मतलब गेस कर पाओगे जो इमोजी आएगा? मूवी? यस। हाँ, इंग्लिश भी हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है, बोलना मत पावले। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं बोलेगा। दूसरे कंटेस्टेंट है सोल वाइपर। नमस्ते। बोलिए। क्या क्या बोले? पूछिए तो सही। नहीं, आप बोलिए। आप सोल वाइपर बोलिए। आपको क्या लगता है, कॉन्फिडेंस है? ऑब्वियसली भाई, इजी भी नहीं। तीसरा जो कंटेस्टेंट है उसका नाम है तिवारी। तिवारी उमंग। तिवारी उमंग, तिवारी कर देता। तिवारी उमंग। सो आप बताइए कि पहले तो हमको इमोजी ऐसा ज्यादा, पहले आप बताओ जो पुराना मूवी गाना ये सब बचता था, आपको पता है? पुराने गाने पता, लेकिन इमोजी से कैसे कनेक्ट होगा वो थोड़ा सोच रहा हूँ मैं। हाँ, इजी टाइम मिलेगा, बहुत टाइम मिलेगा। बहुत टाइम है? 30 सेकंड। तब ठीक है। बहुत टाइम। जिस प्लेयर का हम नाम ले रहे थे और आप सबको बेसब्री से इंतजार था, उनको आता है ये गेम के बारे में? नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो तू हारने आया इधर? मैं बैठने आया हूँ इधर। गाइस, हारने वाले के लिए पनिशमेंट है, सोच रखे। इधर पे जिसका अभी रिसेंटली 1 मिलियन हुआ है, बहुत टाइम पहले हो चुका है। तो ब्लॉगर सर्वे ने मारा जय श्री कृष्ण। वाइपर और केतन के बीच में कॉम्पिटिशन होगा, बाकी लोग तो पार्टिसिपेट करने आए। सो गाइस, इस चैलेंज में होने वाला है, हम कुछ इनको इमोजी दिखाएंगे, उनसे इनको गेस करना है कि मूवी का टाइटल है या सॉन्ग का नाम है। ज़्यादातर जो सॉन्ग्स आएंगे वो हिंदी होगा और मूवी बेसिकली इंग्लिश, जो पुराने है ना मूवी, क्या है, हॉलीवुड, सॉरी, जो पुराने हॉलीवुड मूवी है। गेम के कुछ बेसिक रूल है, मैं जैसे ही उनको दिखाऊंगा इमोजी, इनको हाथ खड़ा करना है, जो पहले हाथ खड़ा करेगा उसको मौका मिलेगा। लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट है, करेक्ट आंसर के लिए मिलेगा इनको 3 पॉइंट और अगर गलत जवाब दिया -2। अगर किसी ने आधा गेस किया तो उनको कुछ मतलब 0 पॉइंट, कुछ पॉइंट मिलेगा ही नहीं। भाई पागल है क्या? तो चलिए अभी राउंड चालू करते हैं। सो पहला इमोजी आने वाला है इमोजीज। जीज। बहुत बढ़िया। ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है। ओ माय गॉड। चालू हो गया। आपके स्क्रीन पे। ओहो, ये तो हमको पता है भाई। किसी को पता है तो फट से हाथ उठाइए और 3 पॉइंट ले जाइए। बॉलीवुड ही कह रहा हूँ, बॉलीवुड इनसे भरा हुआ है। राजा रानी प्यार बस। हाँ, वही। और राजा को रानी से प्यार हो गया। एग्जैक्ट। बहुत अच्छा गेस दीजिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। किधर कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली वाइपर की बात हुई। राजा रानी प्यार बोलते हैं, माँ कसम भाई। बॉलीवुड ही कह रहा हूँ, आधा बॉलीवुड इनसे भरा हुआ है। राजा रानी प्यार बस। हाँ, वाइपर 6 पॉइंट। सो गाइस, तीसरा इमोजीज आपके स्क्रीन पे। एनी आइडिया गाइस? यार -2 हो जाएगा यार। हाँ, मत करो, रिस्क मत लो, फिर 0 में रहो। हम रिस्क नहीं लेना चाहता। ठीक है, तुम तो ऐसे भी 6 पॉइंट, जो 6 पॉइंट में उसको रिस्क लेने की कोई जरूरत है ही नहीं, बाकी लोग ले सकते हैं, या तो 0 पे रहो या तो -2। चल चल मेरे हाथी, गाने का नाम है। Exactly. और उमंग को मिलता है 3 पॉइंट। चल 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 मेरे हाथी, मेरे साथी। चौथा इमोजीज आपके स्क्रीन पे। केतन 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 जूता है जापानी। क्यों भाई, दिमाग लगाइयो। मेरी मेरा जूता है जापानी, मेरी पैंट है। ये क्या मेरे को नहीं आता, भूल गया। मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिशतानी। एग्जैक्टली 3 पॉइंट। सो पांचवा इमोजीज आपके स्क्रीन पे। अरे देख तो, देख लिया मैंने अभी तो। गोली मार भेजे में। मुझे नहीं लग रहा ये लोग वाइपर को पकड़ भी पाएंगे। वाइपर के है 9 पॉइंट्स, उमंग के है 3, मॉडल के है 3, कुजरी के है 0, केतन के है 0। पांचवा इमोजीज आपके स्क्रीन पे।
ले मेरे हाथों में नौ नौ चूड़िया। ये तो इजी हो गया भाई। किस किस के दिमाग में आया था ये चीज? मेरे दिमाग में लेट आया। 99 कुछ अलग लगा मेरे को। मेरे दिमाग में था, मैं बता रहा हूँ, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, मेरे को पता ही नहीं, गाने ही याद नहीं। एक्चुअली इधर में जितने लोग भी बैठे हैं ये सबसे छोटा है, तो इसको माफ कर दीजिए। नहीं तुमको हम अभी हर रात को 90s का एक मूवी देखते हैं, तुम टेंशन मत लो। हां टेंशन मत लो। हां हां शोले देखा है? हां हां शोले तो देखा है। सर्वाइवर विद 12 पॉइंट्स। आपका छठा इमोजिस आपके स्क्रीन पे। अबे यार ये मैं पहले उठा है। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा। सर्वाइवर विद 15 पॉइंट्स। मैं टूटा टूटा मुर्गी सोच रहा हूँ। नेक्स्ट इमोजेस आपके स्क्रीन पे। छोड़ देगा कंपटीशन, बताओ। छोड़ सकते, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको पता है? हाँ। हम चांस दे रहे हैं। चलो चलिए मॉर्टल जी सुन, बाबा सुन, प्यार किए धुन। हाँ राइट। Viper with 15 point. अगला close कौन है? Mortal with 6. Umang with 3. Kuzer with 0. Ketan with 0. So next emoji is आपके screen. सोचो भाई, जोरो दिमाग को, थोड़ा सा जोर दो। तुम्हारा हर 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 सवाल का लगे हमको guess चाहिए होगा तेरे से। तू क्या क्या guess में क्या करता है तुम, वो चाहिए। आजकल के नए generation क्या सोचते हैं? ये कब का गाना है मैं बता दूँ क्या आप सबको थोड़ा सा? ये गाने को गाया है मोहम्मद रफी साहब। ज्यादा पुराना नहीं है बे, 1964 ओनली। वैसे भी जीरो हूं, कितना नीचे चला जाऊंगा। ये दिल है नहीं यार, क्या माइनस हो गया। ये साल 1964 का थोड़ी है, ये दिल है। ठीक है टाइम अप, सब पासी कर दो। ये गाने का नाम था ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर। पढ़कर और फिर आगे क्या? आगे आगे तुम गाओ। मैं होस्ट भाई, मेरे को सब पता होना जरूरी थोड़ी है। सो गाइस नेक्स्ट इमोजीज आपकी स्क्रीन पे। वैसे जीरो से अच्छा ना माइनस टू अच्छा लगेगा। सीरियसली वो उसका गाना है बाबा रुक। नहीं नहीं ना, फिर वहाँ पे चल भी तो रहा है बाबा। कोई नहीं कोई नहीं, इसका माइनस नहीं। गाइस आपके पास 10 सेकंड है, जल्दी बताइए भाई, इतना टाइम नहीं ले सकते आप लोग। ये नहीं हुआ। सो गाइस ये गाने का नाम है मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया है, हाँ वहाँ से किया है टेलीफोन, तुम्हारी आँख सताती है। सो गाइस आप लोग को जल्दी से एक पॉइंट रिकैप दे देता हूँ। नमन विद 6 पॉइंट, वाइपर विद 15 पॉइंट, 3 पॉइंट, तिवारी वेट 3 पॉइंट, कुजरे वेट -2 पॉइंट, -2 पॉइंट। सो गाइस अपना नेक्स्ट इमोजिस आने वाला है इंग्लिश मूवीज के ऊपर। पहला इमोजिस आपके स्क्रीन पे ये रहा। हॉलीवुड है? यस हॉलीवुड। सिंडरेला है? -2 हो गया। आइए चलो गाइस टाइम अप। ये मूवी का नाम है प्रिंसेस एंड द फ्रॉग। सो दूसरा इमोजिस आ रहा है आपके स्क्रीन पे ये रहा। सोचो भाई। ग्रेविटी? यस। ओ भाई मॉडल का मिलता है 3 पॉइंट ग्रेविटी में। सो नमन का 7 पॉइंट बहुत बड़ा। तीसरा इमोजेस आपके स्क्रीन पे ये रहा। ध्यान से सोचो भाई, तू दिमाग तो लगा। द लेडी किलर। सॉरी केतन आपका फिर से -4 हो चुका है। कोई नहीं गाइस, हम लोग वाइपर को उल्टा पकड़ने की कोशिश करेंगे। वाइपर जी आप ट्राई करना चाहोगे? इतना सारा कोई ऐसा एक दो माइनस कोई खा लो। अरे कोई यूनिक मूवी नहीं आ रहा दिमाग में जिसमें ऐसा मतलब तू है लड़की है शावर है। ये हॉरर मूवी है? थ्रिलर है, साइकोलॉजिकल। हाँ वैसा टाइप का है। हाँ 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 देख लो। ऑर्फन? सॉरी नमन नहीं है ऑर्फन। -2। इस मूवी का नाम है साइको। सो गाइस नेक्स्ट इमोजिस आपके स्क्रीन पे ये रहा। सिंड्रेला है? टेक्निकल टीम से हम आप यस दो बार से सिंड्रेला। अब पता बड़ा वो टाइम वाला है ना, पर आप फाइनली 2000 में जो पैदा होते हैं सिंड्रेला देखते हैं। सिंड्रेला तो देखते ही देखते हैं भाई, देखते ही देखते हैं। गुजरे आप 1 पॉइंट पे हो, कैसा लग रहा है? बहुत 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 अच्छा। नेक्स्ट इमोजेस आपके स्क्रीन पे ये। सुना ये ए कुजरी क्या कर रहा था? एप्स 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 एप
सो उमंग तुम्हारा कितना पॉइंट हुआ भाई? 6 पॉइंट हो गया. उमंग 6 पॉइंट. सो नेक्स्ट इमोजेस आपके स्क्रीन पे, ये रहा इमोजेस है, थोड़ा चेंज देखो. टाइटैनिक. एग्जैक्टली. बहुत बढ़िया गेस. इजी इजी. कैसे कर लेते हैं? अरे कुछ नहीं, बोर्ड दिख रही थी मुझे. बोर्ड दिख रही. सो नमन के 8 पॉइंट, वाइपर के 15 पॉइंट, उमंग के 6 पॉइंट, कुजरी के 1 पॉइंट और हमारे केतन जी के हैं -4. नेक्स्ट इमोजी आपके स्क्रीन पे, ये रहा लॉर्ड ऑफ द रिंग्स. एग्जैक्टली. यार 11 पॉइंट 11 15 पॉइंट. नेक्स्ट इमोजी आपके स्क्रीन पे, ये रहा नाइट म्यूजियम. ये वो नाइट म्यूजियम. भाई भाई आधा नाम नहीं. रुको इसको पूछ लो. ये बोलेगा नहीं 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 याद आ रहा. नाइट में कैसे नहीं याद आ रहा भाई? यही है हम बोल रहे हैं. यही है मतलब? यही है लेकिन यही नहीं है. समझा? नाइट इन द जंगल. ये नहीं है. हम आपको एक तगड़ा हिंट देंगे, जो पहले हार्ट उठाएगा वही जवाब देगा, उसके बाद कोई नहीं जवाब देगा और -2 भी होगा. ठीक है. नाइट इन द म्यूजियम हो रहा है, आप लोग बोल रहे हो, वो इन में ही थोड़ा सा गड़बड़ है. द नाइट एंड द म्यूजियम -2. सो गाइस ये आंसर द नाइट एट द म्यूजियम. एट द एट. सो नेक्स्ट इमोजीज आपके स्क्रीन पे, ये रहा शायद ये सेकंड लास्ट इमोजीज है, इसके बाद एक ही आएगा बस. सुनो, इसका हम आपको एक हिंट दे रहे हैं, एक ही चांस है वही. इसमें भी हम दे रहे हैं क्योंकि अभी बस एक या दो इमोजीज बाकी है, तो किसी को कम बैक करना है कर सकते, और अगर किसी को ज़्यादा हगना है तो फिर और एकदम पूरा ही पीछे चले जाएगा. इधर में जो पहला पिक्चर है उसको हिंदी में बोलते हैं दुल्हन. ये मूवी है इंग्लिश. हाँ मेरे को हिंदी में है ये दुल्हन. एक वर्ड का मूवी है क्या? है ही नहीं. द ब्राइड्समेड. वाइपर वेट 18 पॉइंट. सो लास्ट इमोजीज है, शुरू कर. अपोलो 13. बहुत बढ़िया. अपना राउंड खत्म हो गया है. मॉर्टल वेट 14 पॉइंट 18. वाइपर वेट 18 पॉइंट. उमंग वेट 6. 1. पुजर वेट 1. -6. केतन वेट -6 पॉइंट. सो गाइस हमारे पास आ गए हैं 3 लूजर्स जो कि आपके लिए परफॉर्मेंस करेंगे. इनके लिए पहले ही, इनको पहले ही बोला गया था कि पनिशमेंट है, इनको अभी आपके लिए करना होगा. तो हमारा बैंड रेडी है. आपका बैंड का नाम क्या है? हमारा बैंड का नाम है फिर हेरा फेरी. चलिए शुरू करते हैं. पहले तो वो शुरू. मेरी मेरी जबी हर चैलेंज में मैं हूँ हारता. इस चैलेंज में -6 हो गया, मैं फिर भी अगला खेलूंगा. क्या है भाई? बस इतना ही था. माफ कर दो, माफ कर दो. सो गाइस आज के वीडियो में -6 करा के बहुत अच्छा लगा, और अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो मेक श्योर द लाइक बटन शेयर. अबे ओ शेयर भी बोल. एक सेकंड मर्जी, एक बात बता. मैं और ये फर्स्ट विनर सर. हाँ भाई, हमारा प्राइस क्या है? प्राइस क्या चाहिए? अरे तो देगा ना कुछ. हट, ये क्या है भाई? ये क्या है? टिश्यू पेपर. काम आएगा. आंसू थोड़ी पोंछने. आंसू नहीं बाबा, जो आंसू पोंछे थोड़ी बोल रहा है. अरे तो विनर लोग को भी कुछ तो दो, लूजर को दे दो. ये कुछ तो पोंछोगे? तो पोंछोगे. ट्रॉफी चाहिए. ट्रॉफी चाहिए? हां. कौन सा वाला चाहिए? ये वाला. ठीक है ले लो, हर जगह फुटेज कर लेना. एनीवेज गाइस, do not forget to drop a like, share and subscribe.